पियावा चला बेद जलो गोरी यह बोलो है ना ये झूठ रहो है हर दम चुप बुझे बालम हमारा दुख बोलला पसके जा होई वो हसी रहोई बड़ी बालम खुश दिल के धड़कन जे होई रुक सैया मारे जब गजब के तो स्वागत है हमारा जीके हम सफर YouTube चैनल पर, जो है मगही का एक जाने माने कलाकार है, एक गायक है जो कि सागर बेदर्दी है। तो हम उन्हीं से थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज हम थोड़ा सा डिस्कस इनको जो है सॉन्ग के साथ साथ आज कुछ राजनीति पर भी इनके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो स्वागत है सागर जी आपको। स्वागत है आपको भी और जीके न्यूज की तरफ से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार। सर पहला बात तो आप पहले एक गाना सुनाइए, फिर हम राजनीति की चर्चा करेंगे आपका, जो सबसे बेहतर गाना। ठीक है, मेरा गाना था अच्छा लेवल पे बजा है मगही में जी। और 1.1 मिलियन रील भी है और 32 मिलियन टोटल व्यूअर किया है। बड़ा सक्सेस। पियावा चला बेद जलो गोरी बोलो है ना ये झूठ रहो है हर दम चुप बुझे बालम हमारा दुख बोलला पसके जा होई वो हसी रहोई बड़ी बालम खुश दिल के धड़कन जे होई रुक सैया मारे जब गजब के। तो देख सकते हैं काफी हाई जोश है यहाँ पर। सर पहले यहाँ पर आने का कारण? यहाँ पे आने का कारण है हमारे समाज पार्टी की तरफ से, हमारे आज सुहलदेव महाराज जी आने वाले, हमारे नेता आने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग जितने भी थे अपने कार्यकर्ता, हमारे सीएम भैया थे, हमारे उत्तम भैया हैं और खास करके मेरे मेंबर, इन लोग बोले कि चलिए वहाँ पर ऐसा सा बात हमको मैटर बताया। बोले ठीक, हम जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, खास बात है समाज का तो वहाँ पर जरूर हाजिर होंगे। तो इसी के लिए हम यहाँ पर आए थे, कुछ गाने के माध्यम से भी कुछ दर्शकों को सुनाए वहाँ मंच पर और कुछ बोले भी उनके बारे में, और बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ पर आके। अच्छा, अब ये बताइए कि हमारे जो है जिला में 3-4 आप जो है सांसद का नाम आ रहा है, जैसे कि आप विनोद यादव जी हो गए, गुंजन सिंह जी हो गए, काफी पॉपुलर नाम है, 2-3 नाम और है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको जो है इसमें बेहतर नेता कौन लगते हैं? मेरे हिसाब से अगर नवादा जिला की बात किया जाए तो देखिए, जो जैसा काम करेंगे, जो जैसा अपने पब्लिक के लिए, जैसा अपने दर्शक के लिए, जैसा अपना और सब किसान मजदूर को जितना भी मतलब सपोर्ट करेंगे, जिनको लगेगा कि नहीं उस सच में मेरा अच्छा नेता है, हम उनको ही सपोर्ट करेंगे। तो चारों पांचों में से हम किन्हीं को नहीं कह सकते कि आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए गुंजन भैया सपोर्ट करते हैं जी। तो एक बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं ये सागर जी कि ये गुंजन भैया का सपोर्ट करते हैं। ये चंदन सिंह जो थे इससे पहले सांसद, वो क्यों फ्लॉप कर गए? इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते, बस गायकी लेवल से हैं, गायकी लाइन से हैं, इसी की वजह से गुंजन भैया को जानते हैं कि संसद में आ रहे हैं, और बाकी इसमें मेरा कोई भी मसला नहीं है, बस इतने तक रखिए इस चीज़। जी जी, अच्छा ये एक बात बताइए कि आपको गुंजन भैया में सबसे अच्छा क्या लगा कि आपको लग रहा है कि उनको सांसद बनना चाहिए? जैसे हमको ये अच्छा लगा कि हमारे जिले के हैं और खास करके नवादा के बेटा हैं, हमारे मगही इंडस्ट्री के एक अच्छे लेवल के सिंगर हैं, और बहुत खुशी मिलता है कि अगर हम लोग का लाइन का कोई सर्किल का चाहे अपना गायकी के लेवल से कोई अगर सिंगर उठ के खुद राजनीतिक में आ रहे हैं नेता में, तो बहुत गर्व महसूस होता है और बहुत अच्छा लगता है। और ख़ास करके इस बात से कि गुंजन भी एक अच्छे कलाकार भी हैं, और जब एक अच्छे कलाकार हैं, एक कलाकार को फीलिंग वो पता होता है अपने ऑडियंस को कि उनके लिए क्या करना चाहिए, वो अपने ऑडियंस को क्या करना चाहिए, वो अपना उसी चीज़ से हम जानते हैं कि एक सिंगर होता है, सिंगर का दिल में, सिंगर का दिल बहुत बड़ा होता है, और शायद वो नेता में आ रहे हैं तो अपने पब्लिक के लिए अच्छा काम करेंगे, पूरा उम्मीद है। जी जी, ये बताइए सर कि ओपी राजभर जी के आप स्टेज पर जो है कुछ गाना गाने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा आपने बोला है, क्या गा के सुनाएंगे, थोड़ा दर्शकों को सुनाइए। हाँ हाँ, गा के सुनाए हैं और बहुत अच्छा लगा जो गाए वहाँ पे भी मंच पे, और
कुछ गाने थे, गाने सुना दीजिए फिर से। सुना देते हैं, हम कुछ सोच के आए थे अलग, कुछ हुआ अलग। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमको पूरे अच्छे तरीके से नहीं पता कि क्या होते हैं, मतलब राजनीति के बारे में, बस जो है सिंगिंग के लाइन में ही जानते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन फिर भी हम सुनाएंगे। खास करके हम यहाँ समाजी समाज जो अपना समाज पार्टी है, इसके स्तर से हमको समझ में आया कि ये चीज़ है, इसी वजह से हम इस पर गाना सुना सकते हैं। कुछ बताए जी, वो गाना सुना दीजिए जो आप गाने वाले जो गाने आन बान शान पहचान रजवंशी कान्हे पगम छागुमान रजवंशी आन बान शान पहचान रजवंशी कान्हे पगम छागुमान रजवंशी देखो ने में हम तो रंगदार लगते हैं तोरा का पता हो पीला गमछिया में हम तो रजवाहर लगते समाजवादी था। और खास करके अगर हम सिंगिंग लाइन में हैं तो जैसे अब ज़्यादा जातिवाद वगैरह ये चीज़ आजकल के डेट में नॉर्मल हो गया है ये चीज़ करने के लिए, और इस चीज़ पर हम ये चीज़ कहेंगे कि जो जातिवाद वगैरह हो गया है सब वो कहते हैं कि हम वो है, वो कहते हैं कि वो है, तो हम लोग दलित के समाज के लोग जाए तो जाए कहाँ पे, हम लोग भी तो अपना हक मांगेंगे ना। इसी के लिए समाज पार्टी हमारे जो आने वाले हैं इसके लिए कुछ चर्चा होंगे वहाँ पर आएंगे वो, इसीलिए बाकी कुछ भी नहीं है कि समाजवादी जो अच्छे काम करेंगे जो अच्छे रहेंगे हम उनको सपोर्ट करेंगे। जी तो ये थे हमारे साथ सागर बेदर्दी जी और ये एक रैली में आए हुए हैं, मैं थोड़ा इनसे बात किया। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल पर आप देख रहे हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पेज पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कीजिए, मिलते फिर और किसी और वीडियो में।